तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पीसीबी के अंदर जो बैटरी कनेक्टर लगा होता है, उस बैटरी कनेक्टर के बारे में आज दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि बैटरी कनेक्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, या जो भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर कैसे आए हुए हैं, या बैटरी कनेक्टर ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन जैसे डेड हो जाता है, या मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज एरर आते हैं, टेम्परेचर लो, हाई, शट डाउन, ऐसा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बैटरी कनेक्टर की वजह से प्रॉब्लम आती हैं। और बैटरी कनेक्टर ख़राब हो जाने की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी हो जाता है, उसमें अनगिनत प्रॉब्लम भी आती है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा सीखेंगे, और बैटरी कनेक्टर का आज मैं पूरा वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ कि ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ये जो बैटरी कनेक्टर है इसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे चेक किया जाता है, या चेक करने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग बैटरी कनेक्टर के बारे में टोटली पूरा सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने आगे वीडियो के ऊपर और सब कुछ वीडियो के बारे में समझते हैं। और दोस्तों, आज जो मैं आपको ये वीडियो जो मैं आपको दे रहे हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मुझे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज भेजा हुआ है कि सर, हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लाइन में बिल्कुल जीरो थे और आज हम आपके माध्यम से कंपोनेंट्स के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और दूसरी बात क्या है कि ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, ट्रैक चेक करने का तरीका क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये बेसिक तो कहने को तो बेसिक होती हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं होती रिपेयरिंग के बारे में, जिसको यही नहीं जानना कि मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करेगा, फॉल्ट को चेक कैसे करेगा। यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, या कहीं भी आप बोर्नियो सिमेटिक, उन सब चीज़ों से ये चीज़ तो बहुत अच्छा सीख जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर है, इसकी लाइन यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए आईसी की स्पिन पर चली जाती है, ये सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इसको चेक कैसे किया जाएगा। ये जो चेक करने का तरीका होता है दोस्तों, ये कहीं आपको नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ ट्रेनर ही आपको उस चीज़ को सिखाता है, या ट्रेनिंग देने वाला ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाता है। तो आज हम जो लोग सीखने वाले हैं वो बैटरी कनेक्टर के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़ता है, ये अपना सागर मार्केट पड़ता है। सागर मार्केट कानपुर रेलवे स्टेशन के मात्र 300-500 मीटर दूरी पर है। आराम से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, आराम से आप आ सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर टोटल 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर हम ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आप अपने आगे वीडियो में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बैटरी कनेक्टर के बारे में, आज का जो अपना जो टॉपिक होने वाला है बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि बैटरी कनेक्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है और उसको कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन में 2G है, 3G है, 4G है, और आगे चल करके जो 5G आने वाला है, तो इसमें किस तरीके से बैटरी कनेक्टर आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा और क्या क्या उसमें चेंजेस होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप 5G मोबाइल फ़ोन तक का बैटरी कनेक्टर है वो मैं आपको समझाऊंगा, और उसको टेस्ट करने का तरीका भी आज आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बैटरी कनेक्टर के चेक करने का तरीका क्या होता है, उसका ट्रैक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में सबसे पहला जो बैटरी कनेक्टर आपका जो पाया जाता है, बैटरी कनेक्टर जो दिखने में होता है, इस तरीके से इसमें 3 पिनें होती हैं। 3 पिन में से जब आप देखेंगे तो इसमें से एक पिन जो होती है ये आपकी पॉजिटिव होती है, एक पिन जो होती है ये आपकी निगेटिव होती है, उसके बाद एक पिन जो आपकी बचती है ये वाली पिन, इसको हम लोग बोलते हैं BSI। BSI का पूरा नाम होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर।
बैटरी स्टेटस इंडिकेटर BSI। तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन होता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हमारा जो बैटरी कनेक्टर लगा होता है उस बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, एक आपका प्लस होता है, दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है माइनस होता है। एक बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं BSI। BSI का पूरा नाम होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। और ये पिन का काम क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी को परसेंटेज बताना, क्या करना मोबाइल फ़ोन में बैटरी को परसेंटेज बताना कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में परसेंटेज कितना शो करता है, कि बैटरी कितना लेवल का है, कितना परसेंटेज शो करता है। तो BSI पिन का काम क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी को परसेंटेज बताना। उसके बाद अब जो आगे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा कंपनी ने चेंजेस कर दिया है आपका। तो क्या चेंजेस कर दिया मैं आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर चार पिनों का बैटरी कनेक्टर पाया जाता है। इस चार पिन के बैटरी कनेक्टर में जब आप इसमें वॉच करेंगे देखेंगे तो इसमें से इसमें से अगर आप देखेंगे तो दो पिनें जो पाई जाती हैं वो आपकी प्लस की होती हैं। उसके बाद जब आप इधर की आप दो पिनों को आप देखेंगे तो ये दोनों पिनें आपकी जो माइनस होती हैं, और इसमें से एक पिन जो होती है ये तुम्हारे थर्मिस्टर की होती है। उसके बाद एक पिन जो होती है ये तुम्हारी ID की होती है। ID का मतलब होता है आइडेंटिटी। ID का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, पहचान, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में पहला बैटरी कनेक्टर आपका पाया जाता है जिसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक BSI का पिन दिया होता है, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। और एक बैटरी कनेक्टर आता है जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है, इसे पत्ते वाली बैटरी बोलते हैं, इसमें प्लस माइनस ID और थर्मिस्टर का लाइन दिया होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं जो 5G मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, इस 5G मोबाइल फ़ोन के अंदर सर्किट में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। आप ऐसा कह सकते हैं, कहने वाली बात आती है, तो ये वाली जो बात होती है ये आपका मोबाइल फ़ोन का दिया हुआ है, ये 2G 3G मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर होता है। आप इसको एक बात ये भी कह सकते हैं कि ये 4G मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर होता है। अब उसके बाद क्या रहता है, यदि आपके पास जो स्मार्टफोन जो 5G मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं तो 5G मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या सिस्टम हो गया है, 5G मोबाइल फ़ोन ने थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो गया है, बदलाव हो गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें नई चीज़ कंपनी ने ऐड कर दिया है। नया चीज़ क्या कंपनी ने ऐड कर दिया मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से समझाता हूँ। जैसे आपका ये बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है, इस बैटरी कनेक्टर के अंदर ऐसे पिंस होती हैं, इस पिंस में जब आप वॉच करेंगे तो पिंस के अंदर ये वाली जो पिन होती है ये आपकी प्लस होती है, ये वाली जो पिन होती है ये आपकी पिन क्या होती है माइनस होती है। एक पिन इसमें डाटा हो जाता है, एक पिन इसमें CLK हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो थर्मिस्टर ID का पॉइंट था वो डाटा और क्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाटा क्लॉक जो होता है ये हमारा बैटरी कनेक्टर में बदलाव हो जाते हैं। ये 5G मोबाइल फ़ोन में ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है कि आपका जो बैटरी कनेक्टर जो पाया जाता है उस बैटरी कनेक्टर को थर्मिस्टर ID का जो पॉइंट होता है उसको और एडवांस लेवल का करके उसको डाटा और क्लॉक के लाइन में उसको रूप में दे दिया गया है, या आपको कह सकते हैं कि इस लाइन में इसको बदल दिया गया है। तो इसका सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थर्मिस्टर ID का सर्किट चेंज हो जाएगा, और ये जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर है इसका भी सर्किट आपको चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा प्लेट में देखते हैं, PCB में देखते हैं, मदरबोर्ड में देखते हैं। तो मेरे पास ये रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, हम आपको रेडमी का मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर का इन्फॉर्मेशन उसका डिटेल हम आपको शो करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं।
जैसे आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। इस बैटरी कनेक्टर के अंदर आप जब आप देखेंगे ये बैटरी कनेक्टर में पॉइंट को पहचानेंगे, तो बैटरी कनेक्टर में ये वाला जो पॉइंट दिया होता है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव का है, इधर का पॉइंट जो दोनों दिए हुए हैं ये दोनों पॉइंट तुम्हारे नेगेटिव के हैं। इसमें से एक जो ये लाइन सिंगल लाइन दिया हुआ है, तो इसमें एक लाइन तुम्हारा आईडी का दिया हुआ है, और उसके बाद जो तुम्हारा एक लाइन दिया हुआ है तो ये लाइन तुम्हारा थर्मिस्टर का दिया हुआ है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि बैटरी कनेक्टर के जो प्लस सप्लाई है यहाँ से होते हुए कैपेसिटर से डायोड से फिल्टर होते हुए इस वी बैक पॉइंट पर चली जाती है, और ये इसकी माइनस की सप्लाई होती है जो यहाँ से ग्राउंड से होते हुए यहाँ पर ग्राउंड वाले पॉइंट में चली जाती है, और उसके थर्मिस्टर आईडी के पॉइंट की सप्लाई होती है, थर्मिस्टर आईडी पॉइंट की सप्लाई हो यहाँ से आपस में कनेक्टेड हो जाती है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी कनेक्टर होता है, जब आप बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे, आपके पास मान लिया कोई भी मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आता है, तो जब आप बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे तो पहले आप चेक करेंगे ग्राउंड पर रख करके, जब आप चेक करेंगे तो ग्राउंड से रख करके चेक करने पर या माइनस में चेक करने पर आपको बीप मिलेगा। माइनस वाले पॉइंट में जब आप चेक करेंगे तो बीप मिलेगा, प्लस वाले पॉइंट में जब आप चेक करेंगे तो प्लस वाले पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। मतलब प्लस वाले पॉइंट में आपको वैल्यू आएगी, माइनस वाले पॉइंट में बीप आएगी, और जो आईडी थर्मिस्टर है वो आईडी थर्मिस्टर के पॉइंट में चेक करेंगे तो इसमें भी आपको रीडिंग मिलेगी, इसमें भी वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें रीडिंग प्रॉपर तरीके से जो मैंने बताया, अगर ये आपको फाइंड होती हैं तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स आपका बैटरी कनेक्टर का जो लाइन है, ये आपका बैटरी कनेक्टर का लाइन ओके है। अगर नहीं मिलता या इसमें दोनों तरफ में शॉर्टिंग आने लगती है या सारी पिनों में बीप आने लगती है, तो इसका मतलब है बैटरी कनेक्टर आपका शॉर्ट हो गया है। यदि इसमें कोई रीडिंग नहीं बताता, कोई वैल्यू नहीं बताता है, कोई रीडिंग नहीं शो करता, तो इसका मतलब होता है कि बैटरी कनेक्टर का जो सप्लाई का लाइन है वो सप्लाई का लाइन ब्रेक हो गया है, जिस कारण से आपके मोबाइल फ़ोन में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, और जब तक रीडिंग नहीं आएगी, वैल्यू नहीं आएगी, तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो सकता, वो सप्लाई ब्रेक की कंडीशन में काउंट किया जाएगा। यदि दोनों कुछ चीज़ों पर बीप आना शुरू हो जाती है तो बैटरी कनेक्टर का लाइन शॉर्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम लोग बैटरी कनेक्टर को पहचानेंगे और बैटरी कनेक्टर को ए से लेकर जेड तक हम लोग चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताया है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी कनेक्टर आता है, उस बैटरी कनेक्टर की सप्लाइयों को हम लोग कैसे पहचानते हैं, या बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को हम लोग कैसे चेक करते हैं। इससे पहले अगर आज की बात करें, आज के बहुत काफ़ी टाइम पहले जो ये वाला बैटरी कनेक्टर आता है, इससे पहले कुछ मोटरोला के अभी भी मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिस मोटरोला के मोबाइल फ़ोन में मात्र दो पिन की बैटरी पाई जाती है। ऐसे दो पिन होती है, वो भी दो पिन सोल्ड वाली बैटरी होती है या उसका कनेक्टर होता है, नॉर्मली ऐसे ही लग जाता है। अब उसमें से जब आप बात करेंगे तो एक पॉइंट तो उसमें प्लस होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस होता है। ये आपका मोटरोला के मोबाइल फ़ोन में पाया जाता है, या आप काफ़ी टाइम पहले मोबाइल फ़ोन आते थे उसमें भी ऐसा पाया जाता था। तो बैटरी कनेक्टर आपका दो पिन का भी आता है, तीन पिन का भी आता है, छः पिन का भी आता है, और 5G मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर आता है। तो ये बैटरी कनेक्टर के अलग अलग तरीके के हमने आज आपको बैटरी कनेक्टर की डिटेल आपको बताई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो आज किसी भी डेड मोबाइल फ़ोन को चेक करना चाहते हैं, या डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना चाहते हैं, या उनके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन जब ठीक होने के लिए आता है तो उनके दिमाग में प्रॉब्लम ये आती है कि मोबाइल फ़ोन को तो खोल लेंगे लेकिन उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसको मल्टीमीटर के माध्यम से चेक कैसे किया जाएगा, वो मैंने आज आपको पूरा बैटरी कनेक्टर के बारे में आपको डिटेल आपको बता हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो दिया हुआ है आज आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, या कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप हमारे नीचे हुए दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से अगर आप पूरा डीपली कंप्लीट, अगर इससे भी एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक आज हमारे पास एक रोहित कुमार करके स्टूडेंट हैं जो आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया है। ये मधुबनी के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, इन्होंने आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया था। इन्होंने पहले अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को पहले कहीं और ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने क्लास जा कर के देखा तो उन्होंने बताया कि सर हमें समझ में नहीं आया, दूसरी बात क्या है कि हम जाते ही हमको उन चीज़ों का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया कि लगता है कि हम सब चीज़ों के बारे में सीख नहीं सकते। देखने को तो कहते नहीं, बहुत जगह पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भौकाल मिलता है, लेकिन बाद में जब सीखने की बारी आती है तो वहाँ पर हमको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया।
तो हमने सची 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हमने देखा तो हमको नहीं लगा। फिर वहाँ के बच्चों ने भी हमको नेगेटिव बताया कि हम नहीं सीख सकते या ऐसा माहौल है, नहीं सीख पाएंगे, हम इतने दिन से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ऐसी बहुत चीज़ों का जब उनको एक्सपीरियंस मिला तो 3 घंटे 4 घंटे क्लास किया, 3 घंटे 4 घंटे क्लास करने के बाद वापस आ गए। जब 3-4 घंटे के बाद वो वापस आ गए तो वो अपना घर जा रहे थे बिहार, फिर मधुबनी वापस जा रहे थे। लेकिन उनके पिताजी थे वो कानपुर में काफ़ी टाइम पर रह चुके थे, उन्होंने अपने 1-2 मोबाइल फ़ोन को सागर मार्केट में बनवाया भी था। कई मोबाइल फ़ोन कहते नहीं कि जब ख़राब हो जाते हैं तो कहीं नहीं बनते, तो सागर मार्केट में ही बनते हैं। तो उनके पिताजी हैं तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन को सागर मार्केट में बनवाया था। उन्होंने मेट्रो के प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके थे, तो उन्होंने बोला कि अब इतने बच्चे थे कि अब तुम वापस मत आओ, मैं एक काम करता हूँ सागर मार्केट में देखता हूँ, मैंने एक जगह मोबाइल फ़ोन बनवाया था। अच्छा, वो हमारा क्या कहने का मतलब क्या है, वो हमसे कैसे जुड़े? उन्होंने वीडियो देखा कि कानपुर में और कौन कौन से लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं। तो उन्होंने जब मेरा उनको वीडियो मिल गया, वीडियो के माध्यम से उन्होंने 1, 2, 4, 5 वीडियो को देखा और अपने बच्चों को बोला कि तुम एक काम करो, अभी तुम घंटे 2 घंटे कानपुर में रुको, मैं एक सर हैं उनसे बात करता हूँ, अगर तुम्हारी बात हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ पर जा कर के सीख लेना और वहाँ डेमो लेकर के देख लेना। जब वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको बताऊं, जब वो बच्चा मेरे पास आया, उन्होंने पिताजी ने बोला कि सर ऐसे से सिचुएशन हो गई है और मेरा थोड़ा सा मैंने आज़ाद 2,000 रुपये वहाँ जमा भी कर दिया था, चलो मेरा नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को सीखने को नहीं मिला तो मैं इतने उम्मीद के साथ मैं भेजूंगा तो कैसे काम हो पाएगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहली बात तो आपका बच्चा आ रहा है तो मेरे छोटे भाई की तरह है, वो पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके ही जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया, 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने क्लास करी। क्लास लेने के बाद फिर वहाँ के और भी ऐसे बच्चे थे जिन लोगों ने आज वहाँ से छोड़ करके आज मेरे पास कोर्स सीख रहे थे, तो उन लोगों ने बोला कि सर कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम यहीं सीखेंगे, क्योंकि अब हमको लगा कि आज हमने जो 2 घंटे 3 घंटे क्लास करी, 2 घंटे 3 घंटे क्लास में हमको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर क्लास किया तो हमको लगा कि यार ये जो सारी चीज़ें जो सर सिखा रहे हैं या और भी बच्चे सीख रहे हैं उनको सीखने को मिल रहा है। दूसरी बात क्या है, मुझे यहाँ सागर मार्केट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिला, अपने उन्होंने पिताजी को फ़ोन करके बताया भी कि सागर मार्केट में एक ये प्लस पॉइंट मिला कि पापा यहाँ पर बहुत सारा लोग जो है दूर दूर से लोग आता है मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए और वहाँ पर सर लोग सिखाते भी हैं और उस मोबाइल फ़ोन को हैंड टू हैंड बच्चों से बनवाते हैं और अपने सामने खुद मोबाइल फ़ोन को बना करके देते हैं। तो उसको एक बड़ा प्लस पॉइंट लगा कि हमको यहाँ पर चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका मिलेगा। तो उनके पिताजी ने एक बात बोली कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर किसी काम को सीखना है तो जब तक उसके गढ़ में जा कर के नहीं सीखोगे तब तक तुम कभी नहीं सीख सकते। तो मैंने एक बार जब मेरा मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं बना था तो मैंने सागर मार्केट में बनवाया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम सागर मार्केट जा कर देखो, वहाँ पर कुछ ना कुछ तुमको मिल जाएगा। तो आज उनका वहाँ मधुबनी से इतना दूर मेरे पास, बिहार से इतना दूर यहाँ पर आना उनका व्यर्थ नहीं गया और आज उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया और मेरे पास फीस का अमाउंट भी उनके पापा ने भेजा और उन्होंने पापा ने यह भी बोला कि सर मैं आपको बाकी 1-2 दिन बाद पूरा पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा, बाकी अभी बच्चों को 1-2 दिन क्लास करने दो, अगर उसको समझ में आएगा तो आगे का देखेंगे। तो हमने ये भी बात उनको विश्वास दिलाई कि सर सीखने को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर मेरे सिखाने के बाद अगर आपको मेरी बात व्यवहार में 1-2 साल बाद भी कोई कमी लगती है तो आपका पाई पाई का पैसा मैं देने का हकदार हूँ, लेकिन इतना विश्वास आप जरूर रखिए कि जब आप मेरे पास आए हैं तो 100% तरीके से सीख करके ही जाएंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं लगता, मात्र 45 दिन का समय लगता है। समथिंग सीखने में अगर देखा जाए तो टोटल 15,000 से 20,000 रुपये का अमाउंट मुश्किल से आपका खर्चा आता है। आज बच्चे इतने अमाउंट में, 20,000 के अमाउंट में पूरा सीख करके भी, रह करके भी, पूरा 45 दिन का टाइम पूरा कंप्लीट ऑन मोबाइल फ़ोन में सीख करके भी और खाना पीना खा करके आज पूरा सीख करके बच्चे अपने घर चले जाते हैं। तो कैसे सीख करके चले आते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, हम खुद आपको एक एक करके सिखाते हैं, मेरी तरफ से इतना आपके लिए ज़रूर विश्वास रहता है कि जब आप आएंगे तो 100% तरीके से सीख करके ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और जो मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ इन वीडियो को समझें और इनसे संबंधित और भी वीडियो मैंने इस चैनल के लिंक में डाला हुआ है, अगर आपको इन वीडियो के बाद अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये जानना चाहते हैं कि मैं सर के पास जाऊंगा तो कैसे सीखूंगा, कैसे सिखाएंगे, हॉस्टल की सुविधा क्या है, क्या रहना होगा, क्या खाना पीना होगा, कैसे सुविधा होगी, कैसे ट्रेनिंग लेंगे, कैसे 45 दिन में हम
पूरे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स को सीख सकते हैं, तो नीचे कम से कम 8, 10, 15 वीडियो पड़ा हुआ है, उन सारे वीडियो को देखें। जब सारे वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जितने सारे डाउट्स होंगे, जो भी सारी प्रॉब्लम होगी, जो भी सारी दिक्कतें होंगी, उलझने होंगे, सारी दूर हो जाएंगे और आप फ्रेश माइंड से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट ट्रेसिंग के वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.